welcome Kapil as hotel owner and Shweta as customer. ये कहा शेरा वालिदा चे दरबार की जय। रात को जागरण नहीं होते हैं ये लोग, तो पागल है शूटिंग कर रहे हैं। सहेल भाई आपको मेरा होटल कैसा लगा? यहाँ सब चलता है, सब चलता है होटल। एक्चुअली मेरे उस्ताद जी ने बताया कि जब प्रॉपर्टी प्रॉपर ना हो तो खुद बता देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ये होटल है मेरा। एक्चुअली प्रॉपर्टी वाले भी क्या करें, अब जितने पैसे में बेचारे जहाज बनाते हैं उतने पैसे में ऑटो अंधेरी ईस्ट से वेस्ट नहीं जाता। लोग मेरे को कहते हैं मैं प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करता, कसम खा के कहना भाई जितनी हॉट प्रॉपर्टी मेरे पास है किसी के पास। मेरे को पता आप फिर रजिस्ट्री कराने को फिरते हो। टाइम हो गया है होटल की सफाई कर लूँ। मैं जरा सफाई कर लूँ कोई कस्टमर ना आता हो। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मेरे दिल तेरे पे फिदा रे। ओ, जाके मैनेजर को बुला के लेकर आओ। Yes, how may I help you? क्या? अभी तो तुम क्लीनिंग कर रहे थे, तुम मैनेजर बन गए आगे? मैडम सब कॉस्ट्यूम का चक्कर होता है। अभी आप मैडम को ना, जो बैठी हुई है हमारी मैडम, अभी इनको खद्दर का कुर्ता दे दो, बगल में ये गमछा डाल दो, नहीं महेंद्र पकोड़े वाला लगी तो मेरा नाम बदल देना। मतलब मेकअप से मंगू पान वाला है पहचानी जाती है, अदरवाइज थोड़ी ना पता चलता है। देखो मैं यहाँ तुम्हारी फालतू बातें सुनने नहीं आई हूँ। Yes. मेरा रात का फंक्शन है, बताओ तुम्हारे होटल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? रात में तो बड़ी फैसिलिटी, हमारे रात में कभी रेड नहीं पड़ती। मतलब कोई कुछ भी करे, पिछली बार एक मंत्री मेरे से खफा हो गया, कमिश्नर को फोन किया, कहता सब चलता होटल पे रेड मारो। मंत्री कहता सर जी एक घंटा रुक जाओ, मेरे को निकलने दो यहाँ से। मंत्री कहते तुम इधर ही हो, कहता हाँ, कहता मेरे को भी लेते जाना, मैं गाड़ी लेके आया। देखो मेरी तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन को ना सरप्राइज पार्टी देना चाहती हूँ। वाओ, अच्छा। उसे ना बच्चा हुआ है और हमने उसे बताया ही नहीं। बच्चा हुआ बताया नहीं? पोजेशन मिल गया ठीक है, टोकन मनी दिया तब तो याद होएगा। एक बात सुनो, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे हो ही नहीं सकता। उसकी बहन को, आपकी बहन को पता नहीं चला वो प्रेग्नेंट है? नहीं पता है, मेरी बहन इतनी इनोसेंट है, हमने उसको कह दिया कि तेरे पेट में पिंपल हुआ है, वो मान गई। क्या बात कर रही है, इतनी इनोसेंट होती लड़कियां? हाँ होती है ना, अपनी रोशनी भी तो इतनी इनोसेंट है। पता है एक दिन अपने नाभि में उंगली डाल कर कहती है कि ये प्रीति जिंदा क्या चीज है, मेरे तो पेट में भी डिंपल पड़ते हैं। क्या बात करी, मेरे को सब पता है इनोसेंट लड़कियां, कोई इनोसेंट नहीं होती। ऐसी लड़कियों के एक बार कहो ना मिलने आओ, कहती मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, एक मीटिंग कर ले फिर कहती मैं तुम्हारे बच्चे की पेरेंट्स बनने वाली हूँ। वैसे आप क्या कर रहे हैं इधर? अरे इडियट बताया ना, मैं अपनी बहन को सरप्राइज पार्टी देना चाहती हूँ, तुम्हारा होटल देखने आई हूँ। ओके, व्हाट इज योर गुड नेम ऑफ योर सिस्टर? हां क्या बहन का नाम क्या है? चिंकी। चिंकी वो व्हाइट स्कूटर वाली तो नहीं? हां उसको नहीं सरप्राइज दे सकती आप? क्यों? उसको हमारे होटल का पता है, वो तो आती रहती है हफ्ते में दो तीन बार। क्या? हाँ तो उसके पिंपल ऐसे थोड़ी हो गया। देखो मैडम आपको पता है हमारे होटल की कोई चीज छुपी नहीं रहती, कोई ना कोई बता ही देता। एक बार एक लड़की आई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ऊपर से उसका बाप आ गया, उसने बालों से पकड़ के ना बेड के नीचे से निकाला लड़की को। लड़की इतनी घबरा गई, बाप को कहती सॉरी पापा मैं चिक्की खाने आई थी। घबराहट में कुछ ही बोल दिया, बाप ने भी दूसरा हाथ डाला, मदन लाल चिक्की वाले को बाहर निकाला। मदन लाल चिक्की वाले को बाहर निकाला, फिर जो उसने उसकी चिक्की की ढिंकी चिक्की फिर उसकी चिक्की का गुड़ गुड़ अलग, तिल तिल अलग, हुड़ हुड़ तिलक तिलक हुड़ तिलक ऐसे। खैर ये छोड़ो, बताओ तुम्हारे मेन्यू में क्या क्या चीज है, कुछ हो तो खिलाओ ना। खिलाओ, मैं आपको टेस्ट कराता हूँ अभी। हाँ। ये पनीर टेस्ट करिए मैडम। छी, तुम यही अभी सफाई कर रहे थे, कुछ अंदर से लेकर आओ ना, ताजा ताजा। अंदर से लेके आऊं? शेफ कहता सर जी बाहर रखो, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, खाओ तो सही। ये पनीर कितना कड़क है। इसका फायदा बड़ा मैडम, हमारे होटल में जब ये स्टेज लगती है ना दूल्हा दुल्हन की, तो हम लोग इसको जोड़ जोड़ के इसके ऊपर चादर बिछा के दूल्हा दुल्हन की स्टेज बनाते हैं। लकड़ी की स्टेज टूटने का खतरा रहता है ना, तो इसे ये टूटता नहीं है। उसके बाद में जब खत्म हो जाता है फंक्शन, फिर हम मैडम के घर भिजवा देते हैं। अर्चना जी स्टेज बनाकर क्या करेंगी? ये स्टेज नहीं बनाती है, तो तरी वाला बनाती है। इनके मुंह में तो जाते मेल्ट हो जाता है, इनके लिए थोड़ी ना हार्ड है। ये तो उल्टा कभी कभी कंप्लेंट करती है, कहती तुमसे पनीर मंगा रहे तुम मलाई भेज देते हो। अभी तो आपको हमारी चपाती का नहीं पता, घुमा के मानू गर्दन तोड़ देती बंदे की। वैसे ये बताओ तुमने पर प्लेट कितना लेते हो?
दोबारा बोल दो आराम से, कोई रात को इतना रिस्पॉन्स मिल जाए यही बड़ा होता है। <स्पूं था। laughs> आपने क्या कहा? मैंने कहा कि आप पर प्लेट कितना लेते हो? पर प्लेट? हाँ। खाएगा कौन? हम। और धोएगा कौन? तुम। खाओगी तुम, धोऊंगा मैं, तेरे बाप का नौकर लगाऊ मैं। Shut up! मैं यहाँ अपनी बहन की पार्टी के लिए आई हूँ और तुम बकवास किए जा रहे हो। अच्छा ठीक है चलो, कितने रिश्तेदार आ रहे हैं? 150। 150 रिश्तेदार हैं शहर में? तो 150 में से किसी को नहीं पता चला बहन क्या गुल खिला रही है। You know what? तुम भी बकवास हो और तुम्हारा ये होटल भी बकवास है। ए, क्या बोलती तू? ये बकवास होटल नहीं है, समझ में है ना? बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं इधर। सिद्धार्थ यादव साहब है ना? हाँ। स्मार्ट से, गोरे से। वो तो 3 महीने रहे इस होटल में, फिर हार के हमने हाथ जोड़े, भैया जाओ सफाई करना तुम्हारे बस का काम नहीं है। हमने भी निकाला उनको। हाँ। ये सिद्धार्थ सफाई करता है? हाँ। इसने कानों में से मैल निकालना छोड़ दिया? वो उसके बाद तो 2 साल वेटर भी रहा, वो भी छोड़ दिया उसने। देखो ऐसे गंदे गंदे वेटर मत बुलाना। Okay. मेरी पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले। क्या बड़े बड़े? अमिताभ बच्चन साहब आ रहे हैं? नहीं, कोई 400 साल का है तो कोई 500 साल का है। 400 साल का बच्ची अगर पंच मार देती हंस दिया करो, क्या हुआ है? पंच था ये। 400 साल का, 500 साल का, मतलब बच्चों की पार्टी है। तू पागल है क्या? ए, तेरे को मैं पागल रहा हूँ? तेरे को एक सवाल पूछूं मैं? Oh God! क्या मतलब? आगरा नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अपने दिमाग मत लगाया करो। मेरा सवाल ये है कि क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? हाँ। पागल तो ये लोग हैं, पिछले 10 मिनट से कुछ भी बोल रहे, हंसी जा रहे, हंसी जा रहे। ए, रोशनी, रोशनी बाहर जाएगी ना, एक व्हाइट गाड़ी खड़ी है उधर, व्हाइट टोपी पहन के लड़का खड़ा है वार्ड बॉय, उसको बताना दोनों इधर चुपके बैठे हुए हैं। अर्चना, कपिलिज्म्स से भरा हुआ ये एक टिपिकल कपिल का एक्ट था। श्वेता, यू व्हेन यू एंटर द स्टेज यू लाइट इट अप, बहुत बढ़िया एक्ट था, वेरी 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 एंजॉयबल। थैंक यू मैम। थैंक यू। सुमेल, क्या आप कपिल का पार्टी हॉल बुक करना चाहेंगे? आप दोनों में एक बहुत एक इंडियरिंग एक्सप्रेशन होता है, क्या आप लोगों को देख के एक खुशी होती है, यू नो दैट हाउ वेल यू ऑल एंजॉय इट, इट्स एन एनर्जी दैट आप लोग दोनों रिफ्लेक्ट करते हो हम पे, ऑडियंस पे, टेलीविजन पे, विच इज एक्सट्रीमली इंडियरिंग। सो फॉर मी इट विल बी दैट आई हैव गिवन दैट। थैंक यू सो मच। अर्चना, अरे बाय।